हे गाइस, वेलकम टू राइजिंग स्टार एकेडमी फॉर लाइफ साइंसेज। गाइस, आप लोगों का गेट का एग्जाम आने वाला है 13th ऑफ फेब को। उससे पहले हम लोग जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है आपका, द फिशरमैन द फ्लड विक्टिम्स और देयर लाइफ वर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो रिवॉर्ड कर रही है, किनको रिवॉर्ड कर रही है? फिशरमैन को रिवॉर्ड कर रही है। बोथ आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए हमें एक बार याद रखना है कि आपका रिवॉर्ड जो दिया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, तो किसी को देने के लिए यानी कि टू का प्रॉपर तो आपको यूज करना ही है। ठीक है, टू आ गया यानी कि एलिमिनेट होता है हमारा ऑप्शन ए। बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन तीन जो बचते हैं आपके, टू विच, टू हुम एंड टू दैट। गाइज देखिए, आपका यहाँ पर टू विच टू दैट जो है वो आपका यहाँ पर प्रेफरेबली नॉन लिविंग थीम्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को याद यूज करना है टू हुम, जो कि आप लोगों का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है गाइज, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टू हुम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस एज वेल एज हाइट। तो रेडियस है और हाइट है। ओके, अ सर्कुलर कोन इंक्रीज्ड बाय 10%। तो यहाँ पर सर्कुलर कोन दिया गया है। सर्कुलर कोन का मतलब ये होता है शंकु, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज है, यहाँ पर इंक्रीज जो है वॉल्यूम में क्या होगा? तो वॉल्यूम का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर याद रखिएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन थ्री आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब 10% जो इंक्रीज किया गया है, मान लीजिए इनिशियली जो आपका रेडियस था वो आपका 1 था और आपका जो यहाँ पर हाइट था वो भी 1 था। अब ऐसा करने के लिए हम लोगों को, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई अगर आप लोग 1 से करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर हो रहा है, तो ईजी जो है हम लोगों को डिजिट जो है वो लेने हैं। ठीक है, तो आपका वी वन अगर हम लोग माने, यहाँ पर कांस्टेंट मान लेते हैं पाई अपॉन थ्री को, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर भी यही आएगा, और जो हमारा नया वॉल्यूम आएगा वी टू जो आपको 10% इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर मिलेगा, उसके लिए भी पाई अपॉन थ्री का जो क्वांटिटिव जो आपका यहाँ पर वॉल्यूम जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर कैसा आएगा? कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसको हमें अब साइड में रखना है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जब हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच करते हैं तो आंसर आता है 1। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर वी टू की। वी टू का मतलब है कि आपका जो आर है उसमें कितना इंक्रीमेंट किया गया है? 10% किया गया है। तो 1 का 10% कितना होता है? 0.1%, 0.1 होता है। ठीक है, तो 1.1 यहाँ पर हो जाएगा नई वैल्यू R की, और H की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.1। ठीक है, यहाँ पर भी 10% का ही इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, वी टू के लिए हमें R स्क्वायर इंटू एच करना है। अब आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? 1.1 का स्क्वायर इंटू 1.1। ठीक है, वैल्यूज को पुट करा। अब आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक 11 है, और 11 का यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। एक तो ये हो गई और एक पावर ये हो गई, यानी कि जब आप लोग 11 का क्यूब निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 1331 आता है। कुछ क्यूब्स को आप लोगों को याद रख लेना है यहाँ पर, 1 to 25 तक क्यूब्स आप लोगों को याद होने चाहिए, एंड स्क्वायर 2। ठीक है, स्क्वायर्स भी याद रख लीजिएगा इन लोगों के। ओके, यहाँ पर जब हम लोग क्यूब करते हैं तो याद रखिएगा, जब हम लोग इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि जो पॉइंट है वो 2 जगह आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पर एक तो है ही, तो प्लस करके हमारा 3 पॉइंट जो है 3 स्थान आगे बढ़ जाता है, 3 पोजीशन आगे बढ़ जाएगा आपका ये पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारी जो है नई वैल्यू आई है। पुरानी वैल्यू क्या थी? ये थी हमारी जो हम लोगों को यहाँ पर आ रही थी। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ है? तो 0.331% का हुआ, 1 नंबर का हुआ है। ठीक है, तो माइनस करके देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 0.331 आ जाएगा। अब ये जो नई वैल्यू आई है ये 1 की कितनी परसेंट है ये पूछा गया है आप लोगों से, तो ये आपकी नई वैल्यू कितने परसेंट हो जाएगी आपकी, जब आप लोग इसको निकालोगे 1 का कितना परसेंट है? कोई भी नंबर ऐसे करके हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल हमारा आंसर जो आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड ईदर बाय 20, 42 एंड 76 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग कभी कभी अगर ऑप्शन में यहाँ पर क्या इसकी कंडीशन बन सकती है, तो यहाँ पर आप लोग को जो स्ट्रक्चर है वो क्या होनी चाहिए इस नंबर की, वो कैसी हो सकती है, 20x प्लस 7 हो सकती है, या फिर आपका 42x इन प्लस 7 हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी 76x प्लस 7 हो सकती है, ठीक है। तीनों ही कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर है वो 7 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो आपकी 7 होनी चाहिए। अगर ऐसे नंबर में यहाँ पर ऑप्शन में भी कोई ऐसा नंबर दिया गया है जिसमें आपका लास्ट डिजिट 7 नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने का मतलब है यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम ले लेना है आपको 20, 42 एंड 76 का। ओके, सबसे छोटे नंबर से हम लोग एलसीएम लेने में स्टार्ट करते हैं, तो सबसे छोटे नंबर से यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 21 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 38। ओके, यहाँ पर अगेन 2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर आपका नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज उतार लेते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 19। ओके, अगले में आपका लेना है यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 आ जाएगा, ये 1 टाइम निकल जाएगा, ये 21 एंड ये 19, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये 3 से जाएगा। अगर आप लोग इसको ना भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपके प्राइम नंबर्स जो हैं यहाँ पर, मतलब कि कॉमन डिजिट नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 into 19, यहाँ पर भी आपके प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो इनको आप लोग एक जगह लिख लेंगे 2 into 2 into 5 into 3 into 7 और into 19, ठीक है। अब इसमें जो भी आपका यहाँ पर आपका डिजिट आएगा उसमें आप लोगों को क्या ऐड कर देना है, 7 को ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए रिमाइंडर में 7। अब यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और हमेशा याद रखिएगा जो भी आप लोग 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा क्या मिलता है आपको, 0 मिल जाता है। एक जितने भी 5 और जितने भी 2 आपके मल्टीप्लाई होंगे इस पेयर में, उसमें आपको उतने ही 0 मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये एक जनरल है बस बात। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 60। ओके, यहाँ तक आपका 60 आ गया, 60 into 7 क्या हो जाएगा, 60 into 7 हो जाएगा आपका 420 into 19 आपको करना है, ठीक है। अब इसको जल्दी से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लोग इतना जो है इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी हम लोग क्या करना है आपको 42 into 19 करना है, ठीक है, 42, और ये 0 का भी ध्यान रखना है। ओके, तो आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर याद रखिएगा कि आप लोगों को क्या करना था, 420 into 19 करना था। अब इसको जल्दी से करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 को एज इट एज उतार लीजिए, 42 into 19। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके यहाँ पर ही आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले 0 को हम लोग यहाँ पर ही ले देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। अब 9 into 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आता है, 8 लिख लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 4 into 9 कितना होगा, 36 होता है, तो इसको हम लोग 4 into 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 39, यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा, और कैरी कितना बचा आपका, 3 बचा है, और 1 into 4 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 plus 3 is equal to 7, यानी कि आपका जो आंसर आना है वो आ जाएगा 7980 plus 7, जो कि हमारा रिमाइंडर हमें बचाना है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सीक्वेंस पे दिया गया है, यानी कि ये सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो ध्यान से देखोगे कि आप लोगों की ये जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा नंबर्स के साथ बढ़ रही है, याद रखिएगा, या तो वो सीरीज प्लस में बढ़ती है यानी कि एडिशन करने पे बढ़ेगी, या फिर मल्टीप्लिकेशन करने पे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है,
तो जब भी याद रखिएगा, एडिशन हम लोग करते हैं तो एडिशन में कभी भी लास्ट में जीरो तो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर एडिशन की सीरीज नहीं है, ये कैसी सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। ओके, अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रहा है। 2 से 12 तक जाने में हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करने का ऑब्वियसली, ठीक है। 12 से 60 तक जब हम लोग जाएंगे तो ये 5 टाइम्स आता है, तो 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जाने में 6 से अगर आपको 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 4 24 होता है। देन आप लोग देखेंगे कि 24 को आप लोग जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो ये लमसम 3 आना चाहिए, ठीक है। 3 आ जाएगा तो यहाँ पर आपको पता ही चलेगा, 6 5 4 3 2 एंड 1, 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, यही सेम डिजिट जो है आपका आंसर हो जाएगा। और जब हम लोग इससे भी कम जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो 0 आंसर आ भी जाएगा। तो ये जो है आपका चेकिंग के करने के लिए भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्कर नोटिस दैट आवर हैंड यानी कि घंटे की जो सुई है ऑफ द फैक्ट्री क्लॉक, तो फैक्ट्री क्लॉक की यानी कि जो आपकी क्लॉक होती है उसमें आपके 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 12 घंटे वाली जो आपकी यहाँ 12 घंटे होते हैं इसमें, और 12 घंटे में यहाँ पर आपकी जो क्लॉक है उसको, जो घंटे वाली सुई है वो कितने एंगल का यहाँ पर कंप्लीट करेगी, अगर वो 12 से शुरू करेगी और 12 में आएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो 360 डिग्री एंगल बनाती है। ये आप लोगों को याद रखनी है, जनरल नोट है, ठीक है। अब बात करते हैं वो कि वो जो क्लॉक, जो आवर हैंड का क्लॉक है वो कितने डिग्रीज मूव कर रहा है, 225 डिग्रीज मूव कर रहा है, ठीक है, हर स्टे एट द फैक्ट्री। तो इतने टाइम के लिए वो फैक्ट्री में रहती है जब वो क्या करते हैं, यहाँ पर इतने डिग्री का एंगल बन जाता है उसके और हैंड के बीच में, जब से वो काम शुरू करता है, जब से वो काम खत्म करता है उसके बीच में, ठीक है। अब बात कर रहा है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डिड शी स्टे इन द फैक्ट्री, तो यहाँ पर आपको बताना है कितने घंटे के लिए वो फैक्ट्री में रहती है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि घंटे वाली सुई जो है यहाँ पर कितने एंगल बना रही है, कितना डिग्री का एंगल बनाती है, अगर आप लोग 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 पे खत्म करेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि 12 घंटे में अगर हम लोग काउंट करें तो कितना मूवमेंट उसका होता है, याद रखिएगा 12/360 से हम लोग निकाल सकते हैं भाई, एक आपका यहाँ पर 12 घंटे में यहाँ पर आपका 1 घंटे का मूवमेंट जो है वो आपका निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/30 जो है आवर्स यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 घंटे का उसका मूवमेंट है। अब आपको कितना निकालना है, इतने डिग्रीज का निकालना है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 225 से, तो 225 इंटू 1/30, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका मूवमेंट निकालने के बाद आपको मिल जाएगा ये आपका 15 2 30 एंड 15 का ये स्क्वायर होता है तो 15 ही आ जाएगा, तो 15/2 जो है आपका आ जाएगा, और इसका मतलब है 7.5 घंटे जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेजर्स आर 26 एंड 165 रेस्पेक्टिवली। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि टू इंटेजर्स, इंटेजर का मतलब क्या होता है, नंबर कैसा है, होल नंबर है, पूरा नंबर है, ऐसे नहीं 3.5 4.5, ठीक है। तो नंबर कैसे हैं यहाँ पर, x और y हम लोग मान लेते हैं कोई दो नंबर हैं, जिसमें से आप लोगों को सम दे रखा है, यानी कि x प्लस y करेंगे तो आपका नंबर जो है वो 26 आ रहा है, और प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 165 आ रहा है। अब उसमें पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू इंटेजर्स, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि x माइनस वाई आपसे पूछा गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंशिएट मेथड से इसको करते हैं, बट एक सिंपल तरीका भी हम लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। क्या फॉलो कर सकते हैं कि आप लोगों को पता तो है ही कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है दो नंबर की, यानी कि इस नंबर का अगर आप लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लें तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर नंबर, ठीक है। ओके, यहाँ पर आंसर आ गया है, बट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 165 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके
छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लेंगे। भाई यहाँ पर 5 है तो याद रखिएगा, लास्ट में जब 5 होता है तो 5 का मल्टीप्लाई होता है, तो 5 3 5 15 होगा, 5 3 15 ओके। तो यहाँ पर 3 से फिर से करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 यानी कि आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब है 5 × 3 × 11, यानी कि कोई 11 तो एक नंबर हो ही सकता है, ये एक प्राइम नंबर है। तो दो प्राइम नंबर में, या फिर आप लोग मान कर चलें कि यहाँ पर आपके जो बड़े बड़े दो नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को प्लस एडिशन करने के बाद यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए, ठीक है। तो 26 में अगर आप लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा इंटू 11 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के बाद भी आप लोगों को 26 मिल रहा है, तो पोजीशन जो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है दोनों ही फुलफिल हो रही है, यानी कि एक्स इंटू वाई भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है और एक्स प्लस वाई भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आंसर क्या होगा, 15 और 11 हो जाएगा। और इन दोनों में डिफरेंस करने के बाद, यानी कि डिफरेंट जब आप लोग निकालोगे डिफरेंस इसका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एम एंड ए हैड 4 चिल्ड्रन। तो एम और एन जो है वो यहाँ पर ऑब्वियसली ये कपल्स होंगे तभी इनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो एम और एम एन जो है यहाँ पर क्या है, कपल्स हैं। देखिए ब्लड रिलेशन वाले जो यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ी सी चीज़ मैं अगर आपको बताऊं कि इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग थोड़े से सिंबल बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर रिलेशन बता रहे हो किसी के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले बात आती कि हम लोग मेल को कैसे रिप्रेजेंट करें या फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेल को मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाती हूँ और फीमेल को मैं एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है। अगर इनमें भाई बहन का रिश्ता है तो मैं एक इनके बीच में बॉन्ड बना देती हूँ, अगर इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो मैं इनमें डबल बॉन्ड बना देती हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब कि ये वाइफ हस्बैंड वाइफ है, और सिंगल बॉन्ड मतलब कि ये भाई बहन है, ठीक है। अब बात आती है माता पिता को कैसे बनाएंगे, तो इन्हीं के जो जनरेशन होगी नेक्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेंगे, इन लोगों के ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अगर बेबी है, बॉय है, तो यहाँ पर आप लोग एक स्क्वायर बना सकते हैं, और गर्ल है तो एक यहाँ पर सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के बच्चे हैं तो ऐसे करके आप लोग इसको एरो से दिखा सकते हैं। अब इन लोगों के अगर भाई बहन, ये आपस में भाई बहन है इसीलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इनके जो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ होंगे, तो इसके वाइफ होगी तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड से दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग एक ग्राफ बना सकते हैं जिससे आप लोगों को जनरेशन का पता चल जाएगा, जैसे कि ये G1 है, G2 है, ऐसे करके आप लोग नेक्स्ट जनरेशन में आने में, क्योंकि ये लोग कौन हो जाएंगे, इनके मम्मी पापा हो जाएंगे। और जब इनके बेबीज होंगे, मान लीजिए ये आपकी यहाँ पर एक गर्ल है, तो जी के जो दादाजी होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे, और जी की जो दादी जी हो जाएंगी वो यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये चार्ट को अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ रिलेट करके देखेंगे तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एम और एन की। एम और एन जो है वो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हस्बैंड वाइफ ही होंगे, उन लोगों के बच्चों की गिनती दे रखी है 4, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों की गिनती दे रखी है, ये नहीं बताया गया है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस जो है इन लोगों के बच्चे हैं, पी क्यू आर एंड एस, ओके। तो इनमें से जो है ओनली पी एंड आर वर मैरिड, तो पी और आर जो है वो मैरिड हैं, ठीक है। तो ये मैरिड है तो किसी इनका कपल भी होगा कोई, ठीक है भाई। दे हैड चिल्ड्रन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तो एक्स एंड वाई जो है वो इनके चिल्ड्रन है, जो कि पी का एक्स होगा और आर का वाई होगा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली यहाँ पर दिया गया है। तो पी का बेबी जो है वो कौन है, एक्स है, और आर का बेबी जो है वो कौन है, वाई है, ठीक है। तो जनरेशन हमें पता चल रही है, एक ये जनरेशन है, एक ये जनरेशन है, और एक ये लास्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ गई। अब यहाँ पर आपको बात करी जा रही है, इफ वाई इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ डब्लू। देखिए लेजिटिमेट मतलब कि कानूनन बेबी है इसका, किसका, वाई देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो वाई जो है वो कौन है, बच्चा है किसका, डब्लू का, यानी कि इसका जो पेयर होगा वो कौन है,
डब्ल्यू है, इसकी शादी क्या, अब सर्कल मैंने यहाँ पर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है लेडी है, ओके। तो इसका जो यहाँ पर बेबी होगा और इसका जो हस्बैंड होगा वो कौन होगा, यहाँ पर डब्ल्यू होगा। यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है, सेम जनरेशन के ये लोग। तो डब्ल्यू और आर जो है वो कौन है, हो गए हैं यहाँ पर हस्बैंड वाइफ, हो गए हैं कपल, हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली फॉल्स। तो फॉल्स जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है, ये जरूर अंडरलाइन कर लिया कीजिए या फिर ध्यान रखना है आपको। एम इज ग्रैंड मदर ऑफ वाई, एम इज ग्रैंड मदर ऑफ वाई। भाई यहाँ पर आपका जेंडर तो बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ हो सकता है प्रॉबेबली कि ये इनकी ग्रैंड मदर हो, क्योंकि वाई जो है वो आपका लास्ट में दे रखा है और ये जो है इनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हम लोग आर की, आर इज फादर ऑफ वाई, आर इज फादर ऑफ वाई, हो सकता है ये लेडी भी हो सकती है, ये जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें जेंडर नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है और ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन जो अगला ऑप्शन दिया गया है, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ आर। अब यहाँ पर आपको बताया गया है डब्ल्यू जो है वो वाइफ है आर की, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर दे रखा है डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ पी। तो भाई यहाँ पर आपको बताया गया था भी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू जो है वो वाई है ना कि एक्स है, तो पी की वाइफ तो नहीं होगी, तो पी की वाइफ नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 100%, ओके। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी इसकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेजिटिमेट चाइल्ड कौन सा दे रखा है आपका, वाइफ दे रखा है, ओके। तो ये आर का ही हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके गाइस। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आपका यहाँ पर आप लोग रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आई एम नॉट श्योर इफ द बस That has been booked will be able to all the student। देखिए यहाँ पर जो है question basically यहाँ पर आपका appropriate word का है, तो bus में जो है यहाँ पर obviously कुछ seat के लिए यहाँ पर बात हो रही है, तो book करा गया है यहाँ पर able to all the student, तो यहाँ पर accommodate जो है यहाँ पर correct appropriate word हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों का बैठने के लिए accommodation या फिर किसी space में fill करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर अकोमोडेट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपली आपका वोकेबुलरी टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस दे रखा है ये आपको और इसमें बताना है कि मिसिंग नंबर यहाँ पर जो है वो क्या आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूब्स दे रखे हैं, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व भी किया था, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब दे रखा है, 11 का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये नंबर किसका क्यूब है, तो क्यूब मैंने आपको रेस्ट्रिक्टली बोला है कि ये आपको याद ही होना चाहिए, और यहाँ पर आपका 17 का क्यूब दे रखा है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, भाई यहाँ पर आप लोग देखोगे तो +4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग एक गैप को छोड़ते हुए यहाँ पर आप लोगों को इनका डिफरेंस देखना है तो +6 हो रहा है, तो कुछ अंतर पता चल रहा है कुछ। देखिए हम लोग देख लेते हैं ये वाले लोग जो हैं वो किस किस के क्यूब हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा 5 जो दे रखा है ये आपका 15 का क्यूब है, ठीक है, ये आपका 13 का, यहाँ पर आपका 14 का क्यूब है, ठीक है, ये आपका 14 का क्यूब है यहाँ पर, और ये है आपका 13 का क्यूब, ओके, और 40 96 ये किसका है, 16 का क्यूब है, ठीक है। ये तो आपका जनरली आपको याद होने चाहिए क्यूब्स, जिससे आप लोगों को यहाँ पर आंसर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भाई 15 लाओगे तो भी कुछ डिफरेंस यहाँ पर आपका अप्रोप्रिएट नहीं आ पा रहा है, ठीक है, पहले 4 का हो जाएगा फिर 1 का हो जाएगा इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर एक जनरल सी बात है कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर लिए गए हैं, आपके प्राइम नंबर लिए गए हैं, तो यानी कि 11 और 17 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 17 के बीच में आपका 13 जो है वो प्राइम नंबर आता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, तो 13 आपका प्राइम नंबर होता है, बाकी यहाँ पर आपके सारे नंबर हैं जो कि आपके यहाँ पर किसी ना किसी और भी प्रोडक्ट से बन सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 13 का क्यूब क्या होता है, 2197, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ पार्टी
तो एक पार्टी हुई है भाई, 60% आर इनवाइटेड गेस्ट, तो 60% ऑफ इनवाइटेड गेस्ट आर मेल। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि भाई 100 लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, और यहाँ पर 60% जो है यहाँ पर मेल और फीमेल, 60% जो है यहाँ पर मेल है, 40% यहाँ पर फीमेल है। ओके, तो इफ 80% इनवाइटेड गेस्ट अटेंडेड द पार्टी, तो भैया यहाँ पर आपके 100% तो थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपके जो है पूरे 100% ने पार्टी अटेंड नहीं की है। इनवाइट किया गया था इनको, और इनमें से कितने परसेंट ने की है? सिर्फ 80% ने पार्टी अटेंड की है, ठीक है? यानी कि 20% जो है वो पार्टी में नहीं आए हैं। ओके, इफ ऑल इनवाइटेड फीमेल गेस्ट अटेंडेड, तो फीमेल जो है वो पूरी पूरी पहुंच जाते हैं पार्टी में, ठीक है, एज यूजुअल। तो 40 जो है यहाँ पर नंबर पूरा का पूरा रहेगा आपका, क्योंकि जो फीमेल है वो पूरी की पूरी वहां पर पार्टी में पहुंच गई है। अच्छा जी, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल अमंग द अटेंडेड? ओके, द पार्टी, तो पार्टी में आपके मेल का यहाँ पर रेशियो क्या होगा फीमेल के अकॉर्डिंग, जब वहां पर पार्टी जो है वहां पर कितने मेल पहुंचे हैं ये आपको निकालना है। तो एक्स मेल मान लीजिए पहुंचे होंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि नंबर जो है 40 का 40 ही रहा है, यानी कि नंबर जो है वो डिक्रीज किस में हुआ है? सिर्फ मेल में हुआ है। कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 20% जो है वो ओवरऑल 100 का हुआ है, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पर 60 और 40 जो है वो 100 के हिसाब से माना है, तो यहाँ पर 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 जो है यहाँ पर आपका नंबर आ जाता है। अब 80 का मतलब है यहाँ पर जो आपकी टोटल पॉपुलेशन पहुंची है वो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। टोटल जो है यहाँ पर गेस्ट आपके पहुंच चुके हैं। अब 40 तो महिलाएं हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेल कितने होंगे? 40 होंगे। तो अब इनका रेशियो जो बन जाता है, तो वो रेशियो आप लोगों को ईजी रहेगा कि क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो यहाँ पर मेल और फीमेल में बन जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आते हैं। तो गोइंग बाय द दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, द स्कूल इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट इन द टास्क, ठीक है? द वर्ड दैट बेस्ट फिल इन दिस फील्ड, ओके ब्लैंक्स सेंटेंस। और देखो भाई, दो वर्ड हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ऑप्शंस में देख रहे हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ठीक है? तो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? जो ये वाला प्रिंसिपल होता है उसका मतलब है रूल्स, ठीक है? कि क्या हमारे, मान लीजिए कि हमारे आदर्श क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है? और ये जो प्रिंसिपल होता है, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल स्कूल के होते हैं, प्राचार्य जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो इनका डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा सा समझ के रखना है, और वैसे ही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो द स्कूल प्रिंसिपल इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए? प्रिंसिपल आना चाहिए, प्रिंसिपल आना चाहिए। ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोइंग बाय द दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, तो ये हमारा क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या कि आप लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है आपके आदर्श रूल्स आ जाएंगे, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और आपके स्कूल प्रिंसिपल आप पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 मशीन्स टेक 7 मिनट टू मेक 7 आइडेंटिकल टॉयज। तो यहाँ पर 7 मशीन है, ठीक है, और 7 मिनट यानी कि टाइम जो है यहाँ पर 7 दे रखा है, 7 मिनट दे रखा है, और 7 आइडेंटिकल टॉयज बनाए रहे हैं। तो टॉयज भी यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर एट द सेम रेट हाउ मेनी मिनट वुड इट टेक 100 मशीन, 100 मशीन जो है यहाँ पर ले ली गई है, ठीक है, टू मेक 100 टॉयज। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हो आपको याद रखना है MDH। MDH मसाला नहीं है, बट MDH एक रूल है। क्या रूल, क्या कहता है कि MDH, M मतलब कि मैन फोर्स, इनटू इनटू है यहाँ पर, ठीक है, D यानी कि डे, और R, ठीक है, MDH अपॉन W यानी कि M1, D1, H1 एंड W1, ओके, इज इक्वल टू होता है किसके? जब आपका रेट सेम है, ठीक
ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ना वर्क का रेट दिया गया है, तो सेम रेट से काम कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क रेट सेम है। तो डब्ल्यू टू एम टू इंटू डी टू इंटू एच टू, याद रखिएगा इसको एम डी एच लॉ। और यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका पहला काम दिया गया, मतलब कि मैन फोर्स का है, क्या है यहाँ पर, मशीन है, ऑब्वियसली मशीन काम कर रही है, तो मैन फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, मशीन हो जाएगा। तो पहले आपका यहाँ पर वर्क क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, पहले आपकी 7 मशीन यहाँ पर काम कर रही हैं, और बाद में कितनी मशीन काम कर रही हैं यहाँ पर, 100 मशीन काम कर रही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को 7 लेना है यहाँ पर, और डे और आर में से आप लोगों को जो भी दिया हो उसकी वैल्यू पुट करनी है। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू तो है नहीं, ये क्या, ठीक है। तो एच आपको यहाँ पर लेना है, एच क्या दिया गया है भाई, मिनट में दिया गया है, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, सभी की यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। 7 दिया गया है आपको यहाँ पर आर टाइम, ठीक है, और वर्क को कितना हो रहा है यहाँ पर, 7 टॉयज बन रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 7 टॉयज बन रहे हैं, ओके, यहाँ पर आप लोगों को मिल गया। अब हमारा वर्क जो आपका मैन फोर्स है, अगली शिफ्ट में क्या हो गया यहाँ पर, 100 मशीन बन गई है, ठीक है जी। और जो है टाइम आपको निकालना है, तो ये दोनों ही यूनिट जो है टाइम की है, तो टाइम जो है हम लोग टी मान लेते हैं यहाँ पर। और अगला जो यहाँ पर आ रहा है वे आ रहा है डब्ल्यू टू, यानी कि वर्क जो अगला हुआ है वो कितना हुआ है, 100 टॉयज बन गए हैं, यानी कि 100 यहाँ पर पुट कर देंगे आप लोग। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 जाएगा, 7 से 7 जाएगा, यानी कि T इज इक्वल टू कितना आपको मिल गया है, 7 मिल गया है। तो 7 जो है यहाँ पर आपको फिर से 7 मिनट ही लगने वाले हैं, क्योंकि सेम रेट ऑफ आपका यहाँ पर वर्क हो रहा है सेम रेट से, ओके। तो ये थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर आपका जनरल ग्रामर का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बहुत ही जनरल, मतलब आप लोग इसको बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर द ब्रिंगिंग देयर बुक्स। देखो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी यहाँ पर वो लोग कहाँ से अपनी बुक्स लेते हैं, देयर बुक्स, ठीक है, उनकी बुक्स, ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम द वर्ड दैट बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स अबव द सेंटेंस। तो भैया वो कहाँ से अपनी बुक लेते हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर करना है, तो दे आर होना चाहिए ना यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या आता है यहाँ पर, आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, तो दे आर ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो दे आर ब्रिंगिंग बुक्स, किसकी बुक्स, देयर बुक्स, तो देयर बुक्स जो है यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है, देयर बुक्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम देयर, तो देयर ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला देयर आ जाएगा क्योंकि ये वहां के लिए यूज किया जाता है, ये कहाँ, ये वहां, और ये वाला जो देयर है ये मतलब कि उनकी बुक्स हैं, ठीक है, देयर आर मतलब कि वो लोग, ओके। तो ये जो है आपको थोड़े सा जनरल है बस, ठीक है, ये बस समझने की बात है, यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, देयर एंड देयर, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइज, बाय बाय, टेक केयर।